वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत खुशी आपके चेहरे पे नज़र आ रही, क्या वजह है इसकी? हम अपने रब्बुल इज़्ज़त, रब्बे करीम, उस कायनात के मालिक का शुक्रगुजार हैं जिसने हमें इज़्ज़त अता फरमाई। इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि हमारे भाई ने ये इस इलाके से इलेक्शन लड़ा और आवाम ने उनका भरपूर साथ दिया, और मेरे अल्लाह के फजल से, भाइयों की दुआओं से, दोस्तों की मेहनत से अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई। इमरान खान साहब ने तो कल ही बोल दिया था कि इंशाल्लाह आज रात हम जश्न मनाएंगे, तो उन्हें इतना यकीन था, आपको क्या लगता कि हम पूरे पंजाब से जीतेंगे या सिर्फ अभी कुछ हलकों से जीत रहे हैं? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आवाम की खिदमत करता है तो अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। इमरान खान का जितना भी विजन था, जितना भी उसने आज तक बोला है, उसने हमेशा यही कहा है कि मैं अपने अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन रखता हूँ और अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। और फिर अल्लाह की ज़ात के लिए, मुसलमानों की इमदाद के लिए उन्होंने ये कदम, ये बेड़ा उठाया तो अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करता है। फिर अल्लाह ताला उनको गैबी तौर पे मदद भी करता है और अल्लाह उनको फिर यकीन भी दिलवाता है कि इंशाल्लाह आपको मैं कामयाबी दिलवाऊँगा। और इसी वजह से इमरान खान साहब, अल्लाह के फजल से भरपूर उनको यकीन था कि इंशाल्लाह कल पंजाब भर में हम क्लीन स्वीप करेंगे, और अल्लाह का फजल है इस वक्त तक 17 सीटों पे पीटीआई जीत रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना कि जानना जी, साडा भरा इंशाल्लाह पीपीएक ते सरदार तो शबीर गुजर विन होया, साडे भरावां ने साथ दित्ता, असि इंशाल्लाह मेहनत सारे भरावां ने कीती और असी इन्हों लोटे इतों भजाया जिन्हें साडे लीडर नाल गिरदारी की, इंशाल्लाह इतने नहीं रहा और रहा भी इंशाल्लाह इतने साडे हल्के नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। इमरान खान जिंदाबाद। बाय राजू।